मछली रस नहीं दिया मछली सब दूध में ठीक रहा। तो आप लोग देख सकते हैं ऊंची हाइट में शानदार सी यह भैंस है। और थानों की बनावट की बात की जाए तो अभी काफी दूरी पे है। कौन बार बच्चा दी है इस बार? कौन बार बच्चा दी है? दूसरे बयान में जी। तो भैंस की बात की जाए तो दूसरे बयान में यह भैंस है। बच्चा कौन सा है? पड़िया बच्चा है जी। बच्चे की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पास में ही पड़िया बच्चा है। दूध कितना होगा इसके पास? दूध कितना होगा? होगा 6.5 किलो। 6.5 किलो टाइम का कि दोनों टाइम में? ना टाइम 13 किलो जी। दूध की बात की जाए तो टाइम का 6.5 किलो बता रहे हैं, मतलब दोनों टाइम में 12 से 13 किलो दूध जो है इसके पास बताई जा रही है। कीमत दाम क्या रखे हैं? दाम 85,000 जी। कीमत की बात की जाए तो इस भैंस का कीमत जो है चौसा के मेले मंडी में 85,000 रुपए रखी गई है, जो कि ऊंची हाइट की यह भैंस है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के बक्सर जिला के चौसा के पशु मंडी में। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं यह बक्सर जिला का चौसा का पशु मंडी है, जो कि प्रत्येक बुधवार के दिन यहाँ पे पशुओं की मंडी लगती है। और अभी हम भैंसों के साइड में मौजूद है और यहाँ पे एक से बढ़कर एक आपको भैंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि किसान बंधु भी यहाँ से भैंस की खरीदारी करते हैं, साथ ही साथ व्यापारी लोग भी यहाँ के चौसा के मेले मंडी से भैंसों की खरीदारी करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा स्पेस में यह चौसा का मेला मंडी लगता है। इस साइड में भी आपको भैंस देखने को मिलेंगे। घुमा लीजिए। कौन बयान में है भैंस? है कौन बयान में है? अकरे। हाँ। मतलब पहला दूसरा पहला बार है ना जी। तो आप लोग देख सकते हैं पहली ब्यात में यह भैंस है। बच्चा जो है पाड़ा है ना जी। बच्चे की बात की जाए तो पाड़ा बच्चा है जी। दूध कितना होगा इसके? 13 लीटर। 13 लीटर दोनों टाइम। कीमत क्या रखे हैं मेले मंडी में इसका? 1,10,000। 1,10,000 जी। दूध की बात की जाए तो 13 लीटर दूध बताया जा रहा है और कीमत की बात की जाए तो 1,10,000 रुपए इस भैंस का कीमत रखा गया है चौसा के मेले मंडी में। थोड़ा सा और घुमा दीजिएगा हल्का सा। ठीक है, लेते आइए। लाइए, काला फिल्टर निकाल दिया है। काला फिल्टर निकाल दूर ऑर्डर भी आप लोग देख सकते हैं। थानों की बनावट जो है वो अभी काफी दूरी पे है। काहे भागो थोड़ा मन दे काहे ना भाग साढ़ू घर तक एगो साढ़ू भाग ना भागो काहे भाग बाजारी में नहीं की हां भागो थोड़ा मन दे बाजारी पर भागो भागो ना जाला हकीकत बता तनी किनक नहीं ख जा तो किनु के ले जा अरे मत जी ठीक है तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं इस भैंस की अभी अभी बिक्री बिहार के चौसा मंडी में हुई है। भैंस की खरीदारी किए हैं, कितने में इस भैंस की खरीदारी किए हैं, क्या कुछ दूध है इस भैंस के पास। तो यह भैंस की खरीदारी यही भाई साहब क्या में लिए 60,000 में जी। और दूध कितना बताया गया है? 10 लीटर जी। तो आप लोग देख सकते हैं इस भैंस की खरीदारी अभी अभी 60,000 रुपए में किया है चौसा के मेले मंडी में। और दूध की बात की जाए तो दोनों टाइम में 10 लीटर दूध बताया जा रहा है। और अभी अभी धार पेनहान अपना जो भाई खरीदारी किए हैं वो चेक भी किए हैं। इस भैंस का धार पेनहान बच्चा कौन सा है, परिया है कि पारा है? परिया बच्चा है जी, पारा है। बच्चे की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पारा बच्चा है यही वाला। कौन बयान में है भैंस है, कौन बयान में होगा? दूसरे बयात में। तो बयान की बात की जाए तो दूसरे बयात में भैंस है। बढ़ा रहे हैं, बढ़ाकर भी दिखाएंगे इस भैंस को। चलो 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 जब ये क्या कर मेरे कौन बयान में भैंस है? पहला बयान, पहली बयान में जी। बच्चा कौन सा है? बच्चा पाड़ा है, पाड़ा बच्चा है जी। दूध कितना होगा इसके पास? उसके 8 किलो जी। कीमत क्या रखे हैं मेले में? 72,000 है, 72,000 जी। तो आप लोग देख सकते हैं पहली ब्यात में यह भैंस बताई जा रही है। और बच्चे की बात की जाए तो पाड़ा बच्चा है। दूध की बात की जाए तो 8 लीटर दूध बताया जा रहा है। और कीमत की बात की जाए तो 72,000 रुपए इस भैंस का कीमत जो है चौसा के मेले मंडी में रखी गई है। कितना में इसका बिक्री हो? 52,500 जी। तो आप लोग देख सकते हैं इस भैंस की अभी अभी बिक्री चौसा के पशु मंडी में 52,500 रुपए में हुई है। बच्चा कौन सा है? पाड़ी, पाड़ी बच्चा है ये वाला। बच्चे की बात की जाए तो परिया बच्चा है जी। दूध कितना होगा? 5 किलो, टाइम का 5 किलो जी। दूध की बात की जाए तो टाइम का 5 किलो दूध बताया जा रहा है। और किसान के लायक यह काफी ही शानदार भैंस है। आप लोग देख सकते हैं जो कि चौसा के मेले मंडी में इस भैंस की अभी अभी बिक्री हुई है। ऑर्डर भी आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डर की बनावट भी जो है वह दूरी पे है।